से मेन चीज़ होता है क्या कि बच्चे बिना अपॉइंटमेंट के चले जाते हैं। देखो गाइज, अगर बिना अपॉइंटमेंट के जाते हो तो वहाँ पे आपको नहीं मिलेगी एंट्री और आपका पैसा सारा बर्बाद होता जाएगा। तो इसकी वजह से जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट रहेगा उसी दिन आप अपना डॉक्यूमेंट लेके जाना। हेलो गाइज, वेलकम टू जीत ब्लॉग। सो गाइज, आज इस वीडियो में मैं वीज़ा के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ कि जैसे कि मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि इंडिया से अजरबैजान, अजरबैजान से मोल्दोवा आपको खुला हुआ है और खुल गया था तो मैंने बताने के लिए कॉल किया था। बट इसी में क्या हुआ, कुछ बच्चे मेरे को टैक्स कर रहे हैं कि मोल्दोवा का डायरेक्टली खुला है क्या। मोल्दोवा का डायरेक्टली अभी तक नहीं खुला है और जिस जो बच्चे लगा रहे हैं उनका कुछ ना सीली मिस्टेक की वजह से उसका रिजेक्ट भी कर दे रहे हैं और मैं उस एज ए प्रूफ दिखा भी सकता हूँ आपको टॉप अप ऑफ द स्क्रीन की क्या रिजेक्शन दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आपके अकाउंट में कम बैलेंस है वगैरह, इस तरह की कुछ सीली जो भी छोटी छोटी बात होती है, होटल स्टे कम दिन का आपने किया है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में कम बैलेंस, इसी तरह करके आपको वो छोटी छोटी मिस्टेक पर वीज़ा रिजेक्ट कर दें। बट अभी जो अजरबैजान से मोल्दोवा का जो रूट है वो खुला है, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था वो अभी चल रही है। और साथ में जो मैंने पिछले बार वीडियो में ये भी बताया था कि अबू धाबी के लिए 15 सितंबर से चालू हो जाएगा, जो कि 15 सितंबर हो चुकी है और अब अबू धाबी के रूट खुल चुके हैं। तो आप इंडिया से अबू धाबी के जा सकते हो और अबू धाबी से मोल्दोवा, मोल्दोवा से यूक्रेन जा सकते हो। अब इस दोनों में कंपेयर करके मैं बता देना चाहता हूँ क्या, क्योंकि अब देखिए चूज़ करना आपको कि आपको किस साइड किस रूट से जाना, क्योंकि अब डिसीजन आपका होगा, बस मेरा रहता है कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना। तो मैं दोनों को कंपेयर कर देता हूँ, इधर भी लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों का लिख दे आपको कंटेंट लिख देता हूँ कि देखिए इसमें क्या है। मोल्दोवा में आपको मिनिमम एक वीक स्टे करना पड़ता है और यही अबू धाबी में क्या है आपको 3 से 4 दिन में मिल जाता है। 3 से 4 दिन का जो कॉस्ट आता है लिविंग कॉस्ट 1000 INR पर डे पड़ती है होटल बुकिंग, और इधर अबू धाबी की जो कॉस्ट लिविंग कॉस्ट है वो थोड़ी ज़्यादा अभी अबू धाबी से ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रही है अजरबैजान की। होटल लो या हॉस्टल लो इसकी। सो गाइज, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इंडिया से अबू धाबी का वीज़ा कैसे ले। तो इंडिया से अबू धाबी का जो वीज़ा होता है क्या होता है, एक नॉर्मल वीज़ा होता है। नॉर्मल वीज़ा अगर आपको लेना है तो वो $120 पड़ेंगे आपको। जो सेकेंड में आती है अर्जेंट वीज़ा आपको $135 लगेगी, और जो आपको इमरजेंसी वीज़ा चाहिए विद इन अ डे चाहिए उसमें आपको $150 लगेगा। तो ये सारा रूट, ये सारे की प्राइजेस मैं साइड में लिख देता हूँ कि जो नॉर्मल है उसका 120 लगेगा और जो अर्जेंट है 135। नॉर्मल का जो है वो 3 to 4 days में आ जाएगा, ये 2 to 1 days में आ जाएंगे, और अर्जेंट वाला क्या है कि जिस दिन आप जाओगे उसी दिन आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो इसकी इसका टेंशन ख़त्म हो गया। अगर बात करें मैं स्टे के बारे में, अगर अबू धाबी में स्टे की बात करूँ तो 1000 INR में आपको स्टे ईजिली मिल जाएगा, वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगा, क्योंकि हॉस्टल आप चूज़ करो, डॉर्मेटरी चूज़ करो तो उसमें आपको बेस्ट हॉस्टल मिल जाएगा, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो 1000 INR में आपको एकोमोडेशन मिल जाएगा। इससे मेन चीज़ होता है क्या कि बच्चे बिना अपॉइंटमेंट के चले जाते हैं। देखो गाइज, अगर बिना अपॉइंटमेंट के जाते हो तो वहाँ पे आपको नहीं मिलेगी एंट्री और आपका पैसा सारा बर्बाद होता जाएगा। तो इसकी वजह से जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट रहेगा उसी दिन आप अपना डॉक्यूमेंट लेके जाना, डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करके रूम आओगे तो आपको मेल आ जाएगा। मेल आएगा क्या कि आपका रिसीविंग डेट का एक मेल आएगा कि आपको रिसीव करने के लिए इस दिन पे आ जाना है। तो उस दिन जाओगे आप रिसीव करने तो आपको पता चलेगा क्या कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ या आपका वीज़ा मिल गया है। इसके अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट स्टेप करोगे, अपना फ्लाइट बुकिंग करोगे। फ्लाइट बुकिंग की जो कॉस्ट पड़ेगी इंडिया में पड़ेगी 35,000 पड़ेगी आपको अबू धाबी से मोल्दोवा के लिए। साथ में ही मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, जो आप इंडिया से अबू धाबी के लिए ट्रैवल करोगे उसमें आपको 14,000 to 17,000 INR आपको पे करने रहेगी। जो फ्लाइट है अबू धाबी से आपको मोल्दोवा के लिए 35,000 INR पड़ेगी, और जो इंडिया से अबू धाबी के लिए होगा वो आपको 14,000 to 17,000 होगी, 14,000 से 17,000 तक। मैं आपको दोनों के बारे में बता दिया हूँ कि अजरबैजान का पिछला वीडियो में भी मैंने पूरा ऑल टोटल चीज़ बता रखा हूँ, इसमें भी मैंने बता रखा है कि आपको 7 to 8 days लगेंगे, इसमें 3 to 4 days लग रहे हैं। तो आपको आप अपने कंफर्टेबल के अनुसार आपको जो चीज़ अच्छी लगती है या जो कंट्री से आपको सुटेबल लगता है, जो आपके पास दोनों ऑप्शन, आप लेफ्ट या राइट दोनों ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, जो आपको बेस्ट लग रहा है वो चूज़ करके आप अपना उस रूट से ट्रैवल कर सकते हैं यूक्रेन। तो वेलकम टू यूक्रेन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर किसी को अभी भी क्वेरीज है कुछ भी तो आप मेरे DM इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं या मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।